हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द डिमोलिशन वर्क बाय रोबोटिक्स. तो रोबोटिक्स से डिमोलिशन कैसे होता है, डिमोलिशन प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है, डिमोलिशन के लिए कन्वेंशनल मेथड क्या क्या होती है, डिमोलिशन के स्टेप्स क्या होते हैं. जैसे कि डिमोलिशन के स्टेप्स में हमने देखा था कि जो डिमोलिशन है वो हम वर्टिकली टॉप टू बॉटम करते हैं, यानी ऊपर से मतलब हम डिमोलिशन करते हैं और नीचे तक आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि उससे क्या हो कि मतलब जो आसपास के प्रीमाइसेस हैं उनको खतरा रह सकता है. तो हम पहले जो है वो टॉप का जो मतलब मशीन रूम और लिफ्ट का मशीन रूम होता है, वाटर टैंक होता है, उसे मतलब हम डिस्कार्ड करते हैं, डिसमेंटल करते हैं. फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे हम नीचे के साइड आते हैं. तो ये जो डिमोलिशन प्रोसेस है वो वर्टिकली टॉप टू बॉटम होता है, ऊपर से लेके नीचे तक होता है. ओके, तो ऐसे जो है वो डिमोलिशन कैरिड आउट किया जाता है. डिमोलिशन कैरिड आउट करने के लिए जो कंक्रीट क्रशर होता है, उसके बाद रैकिंग बॉल था, उसके बाद पुशर आर्म था, तो ये सारे जो मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइस थे तो वो भी एक ऑटोमेशन के ही पार्ट है. पहले कन्वेंशनल मेथड में हम ओनली हैमर्स का यूज़ करते थे. ओके, फिर चीप हैमर थी उसका यूज़ करते थे. तो ये सारा जो था वो कन्वेंशनल पार्ट था. ओके, आपका कि जो कन्वेंशनली कैसे मतलब जो है वो डिमोलिशन किया जाता है, मतलब जो एंशियन डे में जो हम करते थे वो, तो ये सारी कन्वेंशनल मेथड थी जो अब तक यूज़ होती आ रही है कंस्ट्रक्शन फील्ड में फॉर डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर. बट उसके बाद मैंने आपको मैकेनिकल इक्विपमेंट्स दिखाए, जो कि पुशर आर्म, कॉन्क्रीट पुशर आर्म था, उसके बाद रैकिंग बॉल था, कैम शेल्स था. तो ये सारे जो थे वो मतलब आपके ऑटोमेटेड यानी रोबोटिक से रिलेटेड जो थे पार्ट थे. ओके, तो आज जो है वो आज के यूनिट नंबर 4 के लेक्चर नंबर 8 में हम डिमोलिशन और बार बेंडिंग दोनों देखने वाले हैं. डिमोलिशन का लास्ट पोर्शन जो मतलब लास्ट टाइम जो थोड़ा बहुत छूट गया था वो हम देखेंगे अभी. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट्स. तो उसमें लास्ट टाइम मैंने आपको काम शेल्स तक बताया था, फिर उसके बाद उसके जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि कैसे उसे ऑपरेट करना है वो हमें देखना बाकी था. ओके, तो वही मैं आज यहाँ पे दिखा रहा हूँ. द सीक्वेंस ऑफ डिमोलिशन बाय मशीन इज टिपिकली द सेम एज टॉप टू डाउन मैनुअल मेथड, एक्सेप्ट दैट मोस्ट ऑफ द डिमोलिशन इज डन बाय मैकेनिकल प्लांट. देखो, जैसे कन्वेंशनल में मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई स्ट्रक्चर डिमोलिशन में ले जाना है, यानी उसके और डिसकंस्ट्रक्शन करना है, तो उसे पहले आपको टॉप में मतलब डिसमेंटल करना होगा, उसके बाद नीचे आना होगा, वर्टिकली टॉप टू डाउन आना होगा. तो जैसे ये मैनुअल मेथड में होता है वैसे ही डिमोलिशन में होता है, बट ओनली यहाँ पे मैनुअल की जगह अब हम मैकेनिकल इक्विपमेंट के यूज़ करेंगे. ओके, तो रोबोटिक्स में ये होता है. द डिमोलिशन बिगिंस विद द लिफ्टिंग ऑफ मैकेनिकल प्लांट ऑन द बिल्डिंग टॉप फ्लोर. सबसे पहले जो भी ऑटोमेशन के पार्ट है, काम सेल्स है या रैकिंग बॉल है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसको टॉप पे ले जाते हैं. क्रेन्स होती है, उसकी मदद से हम उसे टॉप पे ले जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पे लिखा है द डिमोलिशन बिगिंस विद द लिफ्टिंग ऑफ मैकेनिकल प्लांट ऑन द बिल्डिंग टॉप फ्लोर. पहले सबसे पहले जो मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो कि ऑटोमेटेड है, रोबोटिक्स से ऑपरेट होते हैं, उसे हम टॉप फ्लोर पे ले जाते हैं. उसके बाद थर्ड स्टेप है आपका, व्हेन रोप और टाई वायर इज़ यूज फॉर पुलिंग, द वर्कर शैल बी प्रोटेक्टेड और स्टे अवे फ्रॉम द एरिया विद इन द रीच ऑफ रोप और टाई वायर. जैसे मतलब हम टाई वायर या रोप से मतलब पुलिंग करते हैं वो क्रेन्स का या उसका, तो जहाँ पे उसकी पहुँच होती है वहाँ से हम जो मतलब हमारे लेबर्स होते हैं उसे दूर रखते हैं, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट होता है बाय चांस तो वो इक्विपमेंट नीचे भी आ सकता है और वो इक्विपमेंट लेबर्स जो होते हैं उसे जो ऑपरेट करने वाला है उसे भी नुकसान पहुंचा सकता है. ओके, ये पूरी मैकेनिकल प्रोसेस है, पूरी ऑटोमेशन प्रोसेस है, इसलिए लेबर्स जो है वो लास्ट में हम डिप्लॉय करते हैं ओनली, जब तक कि मशीन का यानी कि रोबोटिक्स का काम फिनिश ना हो जाए. ओके, उसके बाद फोर्थ स्टेप है, एडेक्वेट प्रॉपिंग शैल बी इंस्टॉल्ड एट फ्लोर लेवल्स बिलो द वर्किंग फ्लोर टू सेफली सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ द मैकेनिकल प्लांट. देखो, एडेक्वेट प्रॉपिंग यानी कि जहाँ पे हम वो रख रहे हैं, अगर डिमोलिशन के टाइम वो पोर्शन डिमोलिशन ड्यूरिंग डिमोलिशन
अगर वो मतलब वीक पड़ गया और उसका जो मतलब लोड होता है वो मैकेनिकल इक्विपमेंट का, रोबोटिक्स का, वो अगर बेयर ना कर सके तो क्या होता है कि वो फ्लोर जो हमारी एक्सेप्टेशन होती है कि यहाँ पे हम ऐसे मशीन रखेंगे और वो सेफ़ रहेगा मशीन, ऐसा नहीं होता है। ओके, अगर आपने एक पोर्शन जो है स्लैब का मतलब डिसमेंटल कर दिया है और सेकंड पोर्शन में आपका मशीन है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका मशीन जहाँ पे मतलब सिचुएटेड है वहाँ पे ही मतलब डिमोलिशन मतलब अपने आप हो जाए और आपका मशीन जो है वो डायरेक्टली नीचे आ जाए, नीचे के फ्लोर पे आ जाए, तो उससे क्या होता है कि पूरी बिल्डिंग डिसमेंटल एक साथ होने का चांस रहता है। इसीलिए एडिक्वेट प्रॉपिंग यानी कि एक उसे प्रॉपर स्टैंड देते हैं हम और नीचे से सपोर्ट भी देते हैं कि वो पोर्शन जो है वो स्लैब का वो गिर ना जाए समय मर्यादा के पहले। ओके, तो एडिक्वेट प्रॉपिंग इसे बोलते हैं। तो एडिक्वेट प्रॉपिंग हमें हर एक फ्लोर लेवल के नीचे देना चाहिए कि जहाँ पे वो इक्विपमेंट पड़ा है। सपोज़ मान लो 7th फ्लोर पे पड़ा है तो 6th फ्लोर पे उसको हमें एडिक्वेट प्रॉपिंग देना पड़ेगा, उसे स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी स्टडी रहने के लिए वहाँ पे। ओके, तो उसे हम एडिक्वेट प्रॉपिंग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज में। द मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल प्लांट शैल ओनली बी विद इन द प्रॉप्ड एरिया, जो मतलब प्रॉपिंग वाला एरिया है उसमें ही मतलब आपकी मशीन की मूवमेंट होनी चाहिए। द प्रॉप्ड एरिया शैल बी शूटेबली मार्क, इसीलिए जो प्रॉप्ड एरिया है हमारा, देखो कोई भी मशीन जो है वो हम ऊपर ले जाते हैं रोबोटिक्स, उससे पहले क्या कर लेते हैं कि एक एरिया मेज़र कर लेते हैं वो मशीन का, कि वो मशीन कितनी एरिया में ऑपरेट हो सकता है या कौन कौन सा एरिया वो ऑक्यूपाई कर सकता है, तो उस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं और उसे ही एडिक्वेट प्रॉपिंग देते हैं। तो हमारा मशीन, हमारी टेंडेंसी ये रहती है कि हमारा जो मशीन है वो उसी प्रॉप्ड एरिया में रोटेट करता रहे। ओके, वो दूसरे एरिया में ना जाए ताकि जो मतलब प्रॉब्लम्स आएगी स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करते टाइम और जो स्ट्रक्चर वीक होगा उसकी इफ़ेक्ट हमारे मतलब इक्विपमेंट पे ना पड़े। ओके, देखो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि जहाँ पे हम इक्विपमेंट रख रहे हैं एटलीस्ट वो ग्राउंड मतलब जो भी फ्लोर हो, ग्राउंड यानी कि जो भी फ्लोर हो वो मतलब फर्म होना चाहिए और उसके लिए उसके जो नी उसको उसका जो नीचे का फ्लोर होता है उसे हमें एडिक्वेट प्रॉपिंग देना चाहिए। एडिक्वेट प्रॉपिंग यानी उसको स्ट्रेंथन करना। ओके, तो वो 5th स्टेप में हम वो देखेंगे कि मूवमेंट जो है वो उसी में रहे और जो प्रॉप्ड एरियाज हो वो प्रॉपरली मार्क्ड हो, ताकि जो ऑपरेटर है मशीन का, जो ऑपरेटर है उसे भी पता चले कि यहाँ से हमें आगे नहीं जाना है। ओके, उसके बाद 6 स्टेप्स है। 6 स्टेप है। द मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल प्लांट शैल बी प्रोहिबिटेड विद इन द 2 मीटर ऑफ द बिल्डिंग एज, विद इन 1 मीटर ऑफ एनी फ्लोर ओपनिंग्स और एनी कैंटिलेवर स्ट्रक्चर। देखो हमारा जो मैकेनिकल प्लांट है यानी कि जो रोबोटिक्स वाला पोर्शन है बराबर, उसे जो है ऑपरेट करने के लिए मतलब एक लिमिट दी गई है कि बिल्डिंग एज जहाँ पे होती है, बिल्डिंग की जो लास्ट एज जहाँ पे होती है, यानी कि जैसे आप टेरेस पे देखो तो टेरेस का आपका एंड पॉइंट है, तो वहाँ से वो 2 मीटर जो है वो दूर रहना चाहिए। ओके, वहाँ से 2 मीटर वो अवे रहना चाहिए, उसके 2 मीटर नज़दीक वो नहीं जा सकता। 2 मीटर से 3 मीटर 4 मीटर है कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 मीटर या उससे पास अगर हम जाते हैं तो क्या हो सकता है कि वो एज पे से वो इक्विपमेंट जो है वो नीचे पड़ सकता है और नीचे आते टाइम वो बहुत सारे लेबर्स और आसपास के प्रीमाइसिस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जो मूवमेंट है मैकेनिकल प्लांट की वो बिल्डिंग एज से 2 मीटर की दूरी पे ही रखनी है, हो सके तो 5-7 मीटर की दूरी पे ही रखो, क्योंकि अगर वर्स्ट केस में आपको आना पड़े एज के पास तो भी आप 3 या 4 मीटर से दूर रह सको। ओके, और सेकेंड कंडीशन है आपकी विद इन 1 मीटर ऑफ एनी फ्लोर ओपनिंग, जहाँ पे फ्लोर ओपनिंग है मतलब जहाँ पे मतलब आपका जो रूम है वो फिनिश होता है, फ्लोर फिनिश होता है, वहाँ से 1 मीटर दूर रहना चाहिए आपका मैकेनिकल इक्विपमेंट। ओके, और एनी कैंटिलीवर स्ट्रक्चर, कैंटिलीवर स्ट्रक्चर में भी यही रूल अप्लाई होता है 1 मीटर वाला, कि 1 मीटर से दूर रह के ही उसे ऑपरेट करना है। ओके, तो ये सारी कंडीशंस जो है वो आपको एट अ टाइम ऑफ डिमोलिशन जो है वो याद रखनी है। उसके बाद 7th स्टेप है। द मैकेनिकल प्लांट शैल बी लिफ्टेड ऑन टू द रूफ ऑफ द बिल्डिंग बाय द यूज ऑफ मोबाइल क्रेन और अदर अप्रोप्रिएट मीन्स एज अप्रूव्ड।
मैकेनिकल प्लांट जो है उसे हम हमको बिल्डिंग के रूफ़ पे ले जाना होगा, यानी कि सबसे लास्ट फ्लोर पे ले जाना होगा। तो उसके लिए हम मोबाइल क्रेन का यूज़ करेंगे, या तो फिर अदर जो अप्रूव्ड जो कैटेगरी वाले अप्रोप्रिएट जो मशीन्स आते हैं उसे यूज़ करेंगे। लेकिन उसे लोकल म्यूनसिपालिटी अथॉरिटी से परमिशन मिली होनी चाहिए, ओके? क्योंकि अगर परमिशन नहीं मिली होगी और अगर कोई एक्सीडेंट अकर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? ओनली जो ऑपरेटिंग जो पर्सन या तो फिर ऑपरेटिंग जो कंसल्टेंसी होती है वो होता है, ओके? तो डिमोलेशन जो है वो कंस्ट्रक्शन से भी मतलब डेंजरस वर्क है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लेबर्स और आसपास के प्रीमाइसिस और आसपास के जो लोग होते हैं उसको भी खतरा हो सकता है, ओके? तो ये एक चीज़ जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। द मशीन सेल डिस्कैंड डाउन टू द नेक्स्ट फ्लोर बाय मीन्स ऑफ अ रैम। अब देखो, एक बार हमने टॉप फ्लोर पे चढ़ा दिया वो मशीन, उसके बाद वहाँ पे डिसमेंटल हो गया, फिर उसे नीचे अगर लाना है हमें तो हमें रैम का यूज़ करना पड़ेगा। देखो, कॉमर्शियल रेसिडेंशियल कोई भी टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है कि लेडर्स होती है, ओके? यानी सीढ़ियाँ होती है, तो सीढ़ियों से वो मशीन नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि वो ये जो मशीन्स हैं वो क्राउलर माउंटेड होते हैं ज़्यादातर, या तो पिन्यूमेटिक टायर्स होते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है कि वो मतलब लेडर्स पे उतर नहीं सकता है। तो उसे नीचे उतारने के लिए जो लेडर्स है हमारी उसे हमें रैंप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ओके? इसके लिए आप वुडन रैम का यूज़ कर सकते हो, कॉन्क्रीट रैम का यूज़ कर सकते हो, मतलब जो भी मेथड जो है वो आपको कॉस्ट इफेक्टिवली जो सूटेबल है उसे आपको लेके चलना है, ओके? तो यू हैव टू यूज़ रैम व्हेन डिस्कैंड डाउन द नेक्स्ट फ्लोर बाय मीन्स ऑफ अ रैम, ओके? हमें रैम का यूज़ करना चाहिए नीचे उतारते टाइम। द स्लोप ऑफ द रैम शैल नॉट बी स्टीपर स्टीपर देन 1.75:1 और एज रिकमेंडेड बाय द मशीन मैन्युफैक्चरर। देखो, ये जो डिमोलिशन मशीन्स मैंने आपको आगे दिखाए वो उसके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं स्लोप की, कि ये मशीन इतने स्लोप पे इजीली नीचे उतर सकता है या ऊपर लाया जा सकता है, ओके? देखो, ऊपर लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमने पहले स्टेप में ही कंसिडर कर लिया कि उसे पहले फ्लोर पे चढ़ा देना है, यानी कि लास्ट फ्लोर पे चढ़ा देना है, उसके बाद उसे नीचे उतारना है धीरे धीरे, ओके? ऐसा नहीं कर सकते हम कि पहले नीचे का डिसमेंटल कर ले फिर ऊपर जाके ऊपर का करें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमें वो टॉप टू डाउन ही जाना है, इसीलिए जो रैंप होता है वो मैन्युफैक्चर होता है मशीन का, वो ही मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि उसका स्लोप कैसा देना चाहिए। लेकिन एज अ रिकमेंडेशन कोई भी मशीन के लिए जो स्लोप ऑफ रैंप है वो 1.75:1 जितना होना चाहिए, ओके? उसके बाद आपका लास्ट स्टेप जो है वो ये है, एज एन ऑल्टरनेटिव द मशीन में ऑल्सो बी लोअर टू द नेक्स्ट फ्लोर बाय द यूज़ ऑफ मोबाइल क्रेन। अगर आप रैंप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं मतलब कॉस्ट के हिसाब से या तो आपके स्पेंड के हिसाब से, तो आपको फिर मोबाइल क्रेन का यूज़ करना पड़ेगा उसे नीचे के फ्लोर पे लाने के लिए, ओके? ये एक चीज़ है। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो आपको माइंड में रखना है ड्यूरिंग डिमोलिशन, और इसी स्टेप्स को फॉलो करके, इसी प्रिकॉशंस को फॉलो करके आपको जो डिमोलिशन वर्क है वो कैरिड आउट करना है स्टूडेंट्स, ओके? तो ये आपको डिमोलिशन रूल्स जो है वो ये सारे हैं, डिमोलिशन के रूल्स जो है वो ये थियरी आपको बताती है। अब मैं आपको थोड़ी फिगर्स दिखाऊंगा कि डिमोलिशन जो है वो कैसे होता है। यहाँ पे 5 और 6 स्टेप्स दिखाए हैं। देखो, आप देख सकते हो कि ये पूरी एक बिल्डिंग है, ओके? ये पूरी एक बिल्डिंग है जिसपे ऊपर एक जो है वो मतलब डिमोलिशन का जो मतलब ऑटोमेशन वाला जो रॉबोट है उसे हमने ऊपर चढ़ा दिया है, जो लास्ट फ्लोर है उसके ऊपर हमने उसे रख दिया है, उसे फॉर्मली सिचुएटेड कर दिया है। उसके बाद देखो, सबसे फर्स्ट क्या होता है, डिमोलिश स्लैब एंड बीम। ऊपर के फ्लोर के स्लैब और बीम को डिसमेंटल या तो डिमोलिश करने का काम सबसे फर्स्टली होता है, ओके? सबसे पहले हम वो करते हैं। देखो, यहाँ पे सपोर्ट के लिए ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिया गया है कि ताकि पूरी जो बिल्डिंग है वो यहाँ से ना गिर जाए, ओके? इसलिए यहाँ पे हमको सपोर्ट जैसा चारों साइड आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप में आप डिमोलिश करेंगे टॉप फ्लोर के स्लैब एंड बीम। उसके बाद सेकंड, कंटिन्यू डिमोलिशिंग द स्लैब एंड बीम। फिर देखो, ये एक स्लैब डिसमेंटल किया, उसके बाद दूसरा स्लैब, उसके बाद तीसरा स्लैब। तो हम यहाँ पे एज पे कहाँ तक जा सकते हैं, 2 मीटर
तक जा सकते हैं, ओके, नज़दीक, उससे नज़दीक हम नहीं जा सकते। तो पहले ऐसे हम जो है वो डिसमेंटल करेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखो, आपको ऐसे ही ये तीनों तीन मतलब कर दिए, फिर उसके बाद ऐसा रैम प्रोवाइड करते हैं और हम यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम रैम प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से नीचे आएंगे, एक्सेस रैम टू लोअर फ्लोर। देखो ये जो मशीन जहाँ पे खड़ा है उसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसे तोड़ेंगे तो मशीन कहाँ रहेगा, ओके। तो वहाँ से हम रैम का यूज़ करके नीचे लाएंगे वो मशीन को लोअर फ्लोर पे। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो है वो आपका ये है, डिमोलिशन ऑफ इंटीरियर कॉलम। इंटीरियर कॉलम जो है उसका हम डिमोलिशन करेंगे, जो बीच के कॉलम है उसका डिमोलिशन करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है, इसका जो आर्म है वो कॉलम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इंटीरियर कॉलम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ओके। उसके बाद जो आपका फिफ्थ स्टेप है वो है कट एक्सटर्नल वॉल एंड कॉलम। फिर उसके बाद जो ये एक्सटर्नल वॉलम है और कॉलम और वॉल है उसे मतलब आप तोड़ो, और फिर नीचे रह के आप ऊपर का जो फ्लोर बचा है उसे भी तोड़ दो, ओके। तो इस तरह से फिफ्थ स्टेप में आप एक्सटर्नल वॉल और कॉलम जो है उसे डिसमेंटल करेंगे, ओके। उसके बाद सिक्स में है पुल डाउन वॉल सेक्शन। जो वॉल सेक्शन है उसे आप पुल डाउन करोगे, यानी यहाँ से जो है वो निकाल लोगे। तो ऐसे जो है वो आप टॉप टू डाउन जाओगे, फिर उसके बाद एक फ्लोर पूरा डिसमेंटल हो गया, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड वन एंड लास्ट में आप ग्राउंड फ्लोर पे आ जाओगे, ओके। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है टिपिकल सीक्वेंस ऑफ डिमोलिशन बाय टॉप डाउन मेथड विथ मशीन। तो यही सीक्वेंस जो सिक्स जो स्टेप्स है उसे आपको फॉलो करना है डिमोलिशन के लिए, ओके। तो डिमोलिशन में आपका स्टूडेंट्स यहाँ तक है, ये फिगर्स आपको बनाने नहीं है, ये फिगर्स आपकी समझ के लिए है, ओके। आपको खाली रूल्स याद रखने हैं कि डिमोलिशन कैसे किया जाता है, कोई इक्विपमेंट्स याद रखने हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं डिमोलिशन के लिए मैकेनिकली, और कन्वेंशनली कौन कौन से यूज़ होते हैं, ओके। तो ये आपका डिमोलिशन यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रीबार बेंडिंग, बार बेंडिंग का हम स्टार्ट करेंगे कि बार बेंडिंग के लिए कौन कौन से रोबोट्स जो है वो अभी यूज़ हो रहे हैं, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैकेनिकल बार बेंडिंग मशीन GW42 ऑटोमेटिक। ये मशीन का कुछ लुक इस टाइप का होता है, और अगर हम उसे जूम करके देखें ये ऊपर के पोर्शन को, तो उसमें ऐसा होता है, देखो एक व्हील जैसा होता है जिसमें आपको ये मतलब जैसा बैंड करना है वैसे आप जो है वो स्टील को बैंड कर सकते हो, ओके। तो ये जो है वो एक प्रोडक्ट का मतलब मैंने आप एक प्रोडक्ट से ये लिया हुआ है कि ये प्रोडक्ट, क्योंकि देखो बार बैंडिंग जो मशीन्स है वो अभी इतने यूज़ नहीं हो रहे हैं यहाँ हमारे इंडिया में, ओके। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, प्राइवेट कंपनीज, उसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि L&T और दूसरे कुछ है उसमें यूज़ होते हैं, बट कन्वेंशनली जो है वो अभी हम जो मैन्युअली जो बार बेंडिंग मेथड है उसी का यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के फीचर्स दिए गए हैं ओनली, और यहाँ पे लिखा है जैसे कि फाइंड द बेस्ट कोटेशन फॉर द बार बेंडिंग मशीन ओनली एट सोना सेल्स। तो ये एक एजेंसी है कि ये एजेंसी ने ऐसे बार बेंडिंग मशीन्स बनाए हैं और जिसके टेक्निकल पैरामीटर्स आपको दिए गए हैं, जैसे कि बिल्डिंग डायमीटर ऑफ स्टील बार 42 मीटर, 42 मीटर तक ये काम कर सकता है। वर्किंग सेट साइट 320 mm तक ये सेट साइज कर सकता है। बिल्डिंग बेंडिंग स्पीड 10 to 20, ये 10 to 20 टाइम पर मिनट लिखा है कि 20 मिनट में 10 टाइम या 20 टाइम जो है वो ऑपरेट कर सकता है पर मिनट में, ओके। इतने बांस जो है वो बैंड कर सकता है। उसके बाद है मोटर पावर और ब्रेक मोटर, तो यानी उसका जो मोटर पावर होता है वो 3 kW का होता है, वोल्टेज जो है वो 380 वाट का होता है, वोल्ट का होता है। मोटर स्पीड 1440 रोटेशन पर मिनट। डायमेंशंस जो होते हैं वो मशीन के 900, 880 एंड 930 mm। वेट जो होता है उसका 320 kg होता है। तो हमें खाली यहाँ पे एक ही क्वांटिटी याद रखनी है कि वो जो बार बेंडिंग मशीन है, ये मैकेनिकल बार बेंडिंग मशीन, वो 42 mm तक स्टील बार जो होते हैं राउंड शेप के उसे हैंडल कर सकता है, ओके। एक ये आपका मशीन है। उसके बाद जो सेकंड है बार बेंडिंग मशीन वो है GW50 सेमी ऑटोमेटिक। अब देखो ये 50 आगे 42 लिखा था, तो 42 mm तक वो बैंड कर सकता है बार्स को, और ये जो इक्विपमेंट है वो 50 mm तक बैंड कर सकता है, ओके। अब बैंडिंग के लिए यहाँ पे कैसा मैकेनिज्म दिया गया है वो आप देख सकते हो। देखो अभी कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि लेबर्स जो है वो अपनी मेहनत से ये बार्स जो है वो बैंड कर रहे होते हैं,
आपने कई बार साइट पे देखा होगा कि एक कोने में जहाँ पे स्टील पड़ा हुआ है, वहाँ दो चार लोग जो है वो लगे हुए होते हैं। एक टेबल जैसा बनाया होता है जहाँ पे बार्स ऑलरेडी फिटेड होते हैं और वो बार्स की मदद से वो बार को बैंड करते हैं। ओके, लेकिन उतने उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं आती जितना ये मशीन यूज़ करने से आती है। इसमें हम 50 mm तक बार जो है वो बैंड कर सकते हैं ये JW50 सेमी ऑटोमेटिक मशीन में। ओके, उसका रीबार ग्रेड 2 जो है वो 42 mm है। यानी रीबार करना यानी क्या कि जो स्टीरअप्स बनाना या तो फिर दूसरे जो कपलिंग्स है वो बनाना, तो वो सारे में मतलब कितना जो है वो 42 mm तक काम कर सकते हैं। वर्किंग प्लेट डायमीटर जो 420 mm का है उनका। स्पीड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस 3 to 15 रोटेशन पर मिनट है। पावर 4 kW है। वोल्टेज 380 वोल्ट है। मोटर स्पीड जो है वो 1440 रोटेशन पर मिनट है। डायमेंशन आपको दिए गए हो और उसका वेट दिया गया है। ओके, तो अभी अभी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो ऑटोमेशन का यूज़ करने पे मतलब टर्न हुई है, तो वहाँ ये इक्विपमेंट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, उसके बाद है आपका बार कटिंग मशीन। आगे आपने देखी ओनली बार बेंडिंग मशीन, ये है बार का कटिंग मशीन जिसका नाम है GQ40। देखो 40 के ऊपर से मैंने पहले बताया कि कट ऑफ बार डायमीटर ऑफ स्टील बार यानी कि 40 mm तक वो कट कर सकता है। कट कैसे करता है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे ऐसा एक शॉ जैसा होता है कि जो इसको जो है वो कंप्रेस करता है और कंप्रेस करने से वो यहाँ से टूट जाता है। ओके, कन्वेंशनली आपने देखा होगा कि हम हैमर का यूज़ करके स्टील को मतलब कट करते हैं। या तो फिर मैकेनिकल कोई डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो ये पूरा रोबोटिक्स है। इसमें आपको ओनली बार प्लेस करना है, डायमेंशन के हिसाब से वो अपने हिसाब से कट कर लेता है। ओके, रीबार ग्रेड आपका 32 mm का है। कट ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ फ्लैट स्टील 17 to 15 मीटर। तो ये आपको मतलब आगे के जैसे मतलब टोटल जो है वो डायमेंशंस दिए हैं, उसके स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कि कैसे वो वर्क करता है, कौन कौन से मतलब डायमेंशन पे वर्क कर सकता है। ओके, तो आपको ये फिगर पे से मतलब टोटल अंदाजा आ गया होगा कि कैसे वो मैकेनिकल बार कटिंग मशीन जो है वो काम करता है। ओके, उसके बाद जो है वो ये है मैकेनिकल बार कटिंग मशीन GQ40, जिसमें आपको मतलब यही आपको मैंने लास्ट टाइम जो दिखाया लास्ट स्लाइड में वही है। इसमें खाली डायमेंशन थोड़े चेंज हो गए। ओके, ये जो रीबार का ग्रेड है वो थोड़ा चेंज होगा। उसमें 32 था ये लास्ट वाले में GQ40 में, और इसमें आप 50 mm तक कट कर सकते हैं। ओके, आपको कट किए गए स्टील जो है वो यहाँ पे दिखाया है ये इमेज में, और ये जो मशीन इक्विपमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे जो है वो हम मैकेनिकल बार कटिंग मशीन और बार बेंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं। ये कटिंग मशीन दो मैंने दिखाए और दो बार बेंडिंग मशीन दिखाए। उसके बाद सबसे फर्स्ट हमने जो डिमोलिशन के स्टेप्स है वो देखे, और डिमोलिशन कैसे किया जाता है वो हमने विथ फिगर देखा। तो आपको ज़्यादा अंदाज़ा आया होगा कि कैसे मतलब जो वो स्टेप को हमें रियल लाइफ में प्रैक्टिस में लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आज का लेक्चर था डिमोलिशन एंड बार बेंडिंग के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड ऑटोमेशन। थैंक यू।